ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट। बच्चों बहुत स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। बच्चों जैसे कि आपने देखा था, हमने अपनी पिछली क्लासेस में, ठीक है, विलयन चैप्टर के लिए बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को पढ़ा। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपने देखा मैंने आपको राउल्ट का नियम बताया। राउल्ट के नियम से को रिलेट करके जो भी क्वेश्चंस निकलते थे मैंने आपको वो क्वेश्चंस बताए। ठीक है, हमने शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के साथ राउल्ट के नियम का संबंध देखा। हमने राउल्ट के नियम का वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के साथ संबंध का एक पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा। बच्चों इसी कड़ी में हमारा टॉपिक जो है वो आगे जा रहा है और हम आज अपना टॉपिक जो लेकर चलने वाले हैं, हमारा टॉपिक है अणुसंख्यक गुणधर्म। तो बच्चों हमको जानना है कि अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं। हम अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में आज की क्लास लेकर चलने वाले हैं। बच्चों आइए समझते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं। तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, विलयन के वे गुण या गुणधर्म जो केवल और केवल विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर होते हैं, ना कि की मात्रा एवं प्रकृति पर। क्या कहलाते हैं बच्चों? वो अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है, तो वापस एक बार समझिएगा और ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला। तो बच्चों जैसा कि डेफिनेशन हमसे कह रही है, ध्यान दीजिए, मैं आपको बता रहा हूं अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में। बच्चों हम पढ़ रहे हैं अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि विलयन के वे गुण या गुणधर्म जो केवल और केवल विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर होते हैं, ना कि उसकी मात्रा एवं प्रकृति पर। तो ये जो गुण है बच्चों, इस गुण को आप किस रूप में जानते हो? अणुसंख्यक गुणधर्म के रूप में जानते हो। ठीक, ये अणुसंख्यक गुणधर्म है। अणुसंख्यक गुणधर्म को जब हमने समझा बच्चों, तो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल्ड में आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स के टर्म्स में लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको अणुसंख्यक गुणधर्म के प्रकार बता दूं। अणुसंख्यक गुणधर्म के प्रकार, तो बच्चों जब हम प्रकार की बात करेंगे, ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से समझिए, मुख्यतः जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो हमारे पास चार प्रकार के होते हैं बच्चों। उसके चार प्रकार में अणुसंख्यक गुणधर्म का जो सबसे पहला प्रकार या उदाहरण हमारे पास है वो है वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन। बच्चों अणुसंख्यक गुणधर्म का जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रकार है वो है क्वथनांक में उन्नयन। बच्चों यहां पर उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। तीसरा महत्वपूर्ण पार्ट है बच्चों वो है
दिमाग में अवनमन, और यहां पे अवनमन का मतलब होता है कमी, जबकि चौथा और महत्वपूर्ण भाग अणुसंख्या गुणधर्म का बच्चों वो है परा तरण दाब। बच्चों ये हमारे पास चार महत्वपूर्ण प्रकार हैं, या आप कह दें उदाहरण हैं अणुसंख्या गुणधर्म के। जैसे कि आपने डेफिनेशन देखा, डेफिनेशन हमसे कह रही है बच्चों परिभाषा कि विलयन के वे गुण या गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ठीक है, उसकी मात्रा या उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, वे गुण अणुसंख्या गुणधर्म कहलाते हैं। डेफिनेशन को बच्चों समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान देने वाली बात है, तो इसके लिए हम एक छोटा सा प्रयोग करने वाले हैं बच्चों। तो उस प्रयोग को करने के लिए देखिए उदाहरण क्या आता है हमारा और ध्यान दीजिए। तो बच्चों प्रयोग क्रमांक वन, प्रयोग क्रमांक वन में हम क्या कर रहे हैं बच्चों, यदि मान लीजिए मैंने क्या किया बच्चों, कोई एक पात्र ले लिया, ठीक है, ये कोई पात्र है, और हम ऐसा मान के चलते हैं बच्चों कि इस पात्र में जल रखा हुआ है, ठीक है, ये जल है, हमने इसमें जल भर दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इसी पात्र में हम अल्प मात्रा में, ठीक है, हम अल्प मात्रा में क्या करते हैं, शक्कर का पाउडर, ठीक है, लगभग 50 ग्राम मात्रा में क्या कर देते हैं बच्चों, इसमें मिला देते हैं, डाल देते हैं, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा विलयन, आपको विलयन प्राप्त हो जाएगा। तो प्रयोग क्रमांक वन में हमने क्या किया बच्चों, हमने जल की मात्रा ली। चलिए मैं जल की मात्रा भी थोड़ी देर के लिए आपके सामने लाइट कर लेता हूं कि हमने जल की मात्रा कितनी इस्तेमाल की, 1 लीटर। तो बच्चों 1 लीटर जल में हमने 50 ग्राम शक्कर के पाउडर को क्या कर दिया, घोल दिया, ठीक। जैसे ही 50 ग्राम मात्रा को 1 लीटर जल में घोलेंगे, आप रिएक्शन देखेंगे क्या होगा बच्चों, तुरंत, है ना, तुरंत यानी कि तत्काल जो शक्कर है वो पानी यानी कि जल में पूर्णतः क्या हो जाएगी बेटे, जी हाँ बिल्कुल, है ना, वो घुलनशील हो जाएगी यानी कि घुल जाएगी। उसको घुलने में जो समय है वो बहुत ज्यादा नहीं लगने वाला, बहुत तेजी से जो शक्कर पाउडर है वो जल में घुल जाएगा, ठीक। इस प्रयोग के साथ ही हम एक दूसरा प्रयोग भी लेते हैं। प्रयोग क्रमांक दो, बच्चों प्रयोग क्रमांक दो में हम क्या कर रहे हैं, हम पुनः एक पात्र ले ले रहे हैं, या हमारे पास एक पात्र है, हमने इसमें भी क्या किया, जल की कुछ मात्रा ले ली, ठीक है, मान लीजिए ये जल है, हमने यहां पर भी जल की कितनी मात्रा ले ली बच्चों, सपोज 1 लीटर। फिर हमने वही किया, हमने शक्कर का इस बार 50 ग्राम का केवल एक क्रिस्टल ले लिया, ठीक है ना, यानी कि इस बार आपने शक्कर को कैसा ले लिया है, ठोस के रूप में, है ना, दानेदार होता ना, तो हमने सीधा 50 ग्राम का ये कण ले लिया है। अब हम उसको इस पानी में क्या कर देते हैं बच्चों, डाल देते हैं। अब आप देखेंगे मात्राएं तो हमने दोनों में बराबर रखी है, पानी भी हमने बराबर लिया हुआ है, लेकिन क्या होगा, क्योंकि इस बार शक्कर का एक बड़ा क्रिस्टल है, और जब इसको आप 1 लीटर जल में रखोगे
इसको घुलने में समय ज्यादा लगेगा पहले प्रयोग की तुलना में, है ना। यहाँ पे समय जो है वो ज्यादा लगने वाला है। क्यों लगेगा ज्यादा? क्योंकि यहाँ पर हमने एक बड़ा सा क्रिस्टल लिया और उसको 1 लीटर पानी में डाल दिया, तो उसके घुलने की जो दर होगी वो बहुत धीमी होगी, वो धीरे धीरे घुलेगा। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? इसका मतलब यहाँ पर इसकी रिएक्टिविटी, इसकी जो क्रियाशीलता वो क्या है, स्लो है, धीमी गति से हो रही है। ठीक है, तो बच्चों अणु संख्या गुणधर्म को समझने के लिए आप समझिए, मैंने कहा था कि अणु संख्या गुणधर्म विलयन के वे गुण हैं जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उसकी मात्रा या उसकी प्रकृति पर। तो जब मैं अणु संख्या गुणधर्म का अगर एक उदाहरण बोलूं कि जब आपने शक्कर को जल में घोला तो जो उससे जो मिठास उत्पन्न होगी, हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये मिठास एक तरह का अणु संख्या गुणधर्म है विलयन का, तो पहले प्रयोग में हमको जो मिठास मिलेगी वो बहुत जल्दी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि यहां पर 50 ग्राम शक्कर 1 लीटर जल में बहुत शीघ्रता पूर्वक घुल जाएगी, जबकि दूसरे प्रयोग में शक्कर की मात्रा वही है, उसकी प्रकृति भी वही है, जल की मात्रा भी वही है, लेकिन फिर भी उसको घुलने में समय ज्यादा लगेगा, उसकी क्रियाशीलता धीमी गति से होगी, इसलिए वहां पर विलेय के कणों की संख्या केवल एक कण लिया है, जबकि पाउडर में अनंत असंख्य कण है। समझ में आई मेरी बात? तो यहां पर हमको जो मिठास है वो कम प्राप्त होगी। हाँ, एक समय आ जाएगा कि जब पूरी की पूरी वो क्रिस्टल जो है वो पानी में घुल जाएगा और उस हो सकता है उस समय पर वो दोनों बराबर मिठास उत्पन्न करे, लेकिन तत्काल पर आपको जो मिठास है वो सबसे ज्यादा कौन देने वाला है? प्रयोग क्रमांक 1 देने वाला है। ठीक, तो इस तरह से हमने एक तुलनात्मक अध्ययन करके उदाहरण के द्वारा बच्चों ये समझा कि अणु संख्या गुणधर्म क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों हम इस टॉपिक को आगे भी बढ़ाने वाले हैं, अभी समझिएगा अगले पेज। जैसा कि आपने देख रखा हुआ है कि हमने अणु संख्या गुणधर्म के आपको 4 प्रकार बताए, मैंने 4 उदाहरण मैंने आपके सामने रखे थे। सबसे पहला बच्चों मैंने रखा था वाष्प दाब में अवनमन, दूसरा मैंने आपके सामने रखा था बच्चों क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा मैंने आपके सामने रखा हिमांक में अवनमन, ठीक है, और चौथा मैंने आपके सामने रखा पराशरण दाब। तो बच्चों हम सबसे पहले वाष्पदाब के बारे में आज बात करेंगे और वाष्पदाब को समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखिए हमारा जो प्रश्न होगा वो किस रूप में आपके सामने आएगा। सिद्ध करो कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, सॉरी आपेक्षिक वर्ड नहीं होगा यहां पर, ठीक है, प्रश्न में आपेक्षिक शब्द नहीं इस्तेमाल किया है अभी। तो हमारा प्रश्न सिद्ध करो कि वाष्प दाब में अवनमन, अवनमन एक अणु संख्यक गुणधर्म है। बच्चों ये हमारा प्रश्न है, हमको बताना है कि वाष्प दाब में जो अवनमन है वो एक अणु संख्या गुणधर्म है, ये हमको प्रूफ करना है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को प्रारंभ करने के लिए, ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन है उसको प्रारंभ करने के लिए आप कहाँ से प्रारंभ करेंगे? बच्चों याद करिए, मैंने आप लोगों को राउल्ट के नियम और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन में एक मात्रात्मक संबंध को व्यंजक के रूप में प्रूफ करके दिखाया था। ठीक है बच्चों, राउल्ट के नियम, राउल्ट का नियम एवं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन में संबंध,
बच्चों, अगर आपको याद होगा तो ये संबंध हमने हाल ही की क्लास में डेराइव किया था, और संबंध हमने जो निकाला था बच्चों वो था एक्स बी इज इक्वल टू पी ए जीरो माइनस पी ए अपॉन पी ए जीरो। ठीक, ये हमने एक मात्रात्मक संबंध पढ़ रखा था, इसको हम फिलहाल में समीकरण एक बना लेते हैं बच्चों। आपको यहां पर याद रखना है बच्चों बहुत अच्छे से, किंतु विलेय का मूल प्रभाज, विलेय का मूल प्रभाज। तो बच्चों सबसे पहले हम विलेय के मूल प्रभाज का सूत्र रिटर्न करेंगे, वो होगा एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। इसको मैं समीकरण दो बना लेता हूं। ठीक है बच्चों, हमको बताना है कि वास्तविकता में अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। ठीक, और मैंने यहां पर आपको ग्राउट के नियम और वास्तविकता में अपेक्षिक अवनमन का एक संबंध बताया, और मैंने आपको विलेय के मूल प्रभाज का सूत्र बताया। तो समीकरण एक का प्रयोग करके मैं कुछ कॉन्सेप्ट निकाल रहा हूं, ध्यान एक से। समीकरण एक जो है बच्चों, यहां पर आप देख रहे हो ना, आपके सामने वैल्यू लिखी हुई है, हमारे सामने यहां पे लिखा हुआ बेटा पी ए जीरो। तो ये जो पी ए जीरो है इसको मैं नियतांक मान लेता हूं। ठीक है, अगर समीकरण एक में हम इसको क्या मान लें, को नियतांक मान लें, तो इसको नियतांक मानने से ये जो बराबर का निशान है ना बच्चों, ये वाला, ये बराबर का निशान हमारा किस में बदल जाएगा, हम इसको बदल देंगे समानुपाती में, क्योंकि जब आप कोई नियतांक हटाओगे तो बराबर का निशान जो है वो किस में बदल जाएगा, समानुपाती में बदल जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे कैसा, हम इसको कुछ इस तरह से लिख पाएंगे, एक्स बी इस समानुपाती होगा ना, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी ए नॉट माइनस पी ए। ठीक है बच्चों, अब आप बोलोगे कि सर ये पी ए नॉट कहाँ गया, तो बच्चों हमने उसको दरअसल क्या मान लिया हुआ, उसको एक नियतांक मान लिया हुआ है, और जब उसको हटाया हुआ है इसीलिए हमने इस बराबर के निशान को समानुपाती के चिन्ह में क्या कर दिया, बदल दिया है। ठीक है, तो ये हमको मिल जाएगा। यहां पर बच्चों हम लिखते हैं, माना पी ए नॉट माइनस पी ए, इसको आप डेल पी के बराबर मान के चलते हो, और हम इसको कहते हैं, इसको हम कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन। क्या कहते हैं बच्चों हम इसको, वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। ठीक, मैं इसको क्या करता हूं, संबंध या समीकरण नंबर तीन बना देता हूं। ठीक है बच्चों, ध्यान देने वाली बात है, इसी प्रकार समीकरण दो को भी मैं आपके सामने हल करूंगा। ठीक, तो इसी प्रकार समीकरण दो से, तो देखिए समीकरण दो से हमको क्या परिणाम मिलेगा, क्या नतीजा निकल कर आएगा, यह है आपका समीकरण दो। तो बच्चों समीकरण दो में एक्स बी बराबर, ये जो वैल्यू आप देख पा रहे हो ना यहां पर, कौन सी, यहां पर आप जो वैल्यू देख रहे हो एन ए प्लस एन बी, हम क्या करने वाले बच्चों, ये हमारी जो वैल्यू है वो नियतांक है, यानी वो फिक्स है, इसका योगात्मक जो मान आएगा वो हमेशा एक के तुल्य आएगा, है ना, प्रयोगों के आधार पर ये चीज स्पष्ट की जा चुकी है। तो अगर ये नियतांक है तो हम फिर से नियतांकों को रिमूव करेंगे, तो ये जो बराबर का चिन्ह है ये फिर से समानुपाती नियतांक में बदल जाएगा, इसका मतलब है कि ये हो जाएगा समानुपाती, तो यहां पर आ जाएगा बेटा एन बी, इसको हम बोलेंगे अपना समीकरण नंबर चार। बच्चों हम समीकरण तीन की तुलना जब समीकरण चार से करेंगे तो हम देखेंगे कि जो एक्स बी है वो पी ए जीरो माइनस पी ए के समानुपाती है, और यहां पर जो एक्स बी है वो एन बी के समानुपाती है। तो तीन और चार से अगर हम लिखें तो क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं कि पी ए जीरो माइनस पी ए समानुपाती एन बी, है ना, या इसी संख्यात्मक मान को हम लिख सकते हैं डेल पी समानुपाती एन बी। बच्चों जब हम इसको डिफाइन करेंगे, है ना, इसको जब हम समझेंगे तो देखेंगे कि हमारी डेफिनेशन जो है वो हमारे सामने आएगी। क्या आएगी बच्चों डेफिनेशन, हम देख सकते हैं यहां पर जो डेल पी है ना, डेल पी को आपने क्या बोला था, यहां पर आपने उसको बोला हुआ वाष्प दाब में अवनमन,
तो बच्चों जो वाष्प दाब में अवनमन है वो विलेय के मोलों की संख्या के समानुपाती है, मतलब विलेय के कणों की संख्या के समानुपाती है। इसका मतलब है कि अगर विलेय के कणों की संख्या बढ़ेगी तो वाष्प दाब में अवनमन का मान भी बढ़ेगा, अगर विलेय के कणों की संख्या कम होगी तो वाष्प दाब में अवनमन का मान भी कम होगा। इसका मतलब अप्रत्यक्ष रूप से हमने ये डेरिवेशन के थ्रू ये प्रूफ किया बच्चों कि जो वाष्प दाब में अवनमन है वो एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, क्योंकि वो विलेय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, इस प्रश्न को बहुत अच्छे से सॉल्व करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा इसकी, क्योंकि बुक में इसको बाय द एक्सपेरिमेंट शब्दों से बोलकर समझाया गया हुआ है और उतने अच्छे से एक्यूरेसी नहीं आती है जितने अच्छे से यहाँ पर हमने उसको मैथमेटिकल तरीके से समझाया हुआ है। ठीक है।